पाँच पैसे देखो तो पाँच पैसे पैसे हैं। गुड मॉर्निंग डच, गुड मॉर्निंग करो सबसे पहले। इधर सबको पैसे दिखाओ, कहाँ पैसे दिखाओ, देखो देखो आओ डच के पास पैसे हैं। पैसे देखो, कितने पैसे दिखाओ, कितने पैसे, 2 रुपीस। क्या लोगे आप इससे? इससे क्या लोगे आप? पैसे से क्या मिलेगा? आइसक्रीम मिलेगी। जय श्री कृष्ण करो। हर हर शंभु शंभु शंभु। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? अभी 10 बज रहे हैं और मैंने आज सुबह से वॉशिंग मशीन लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए। मैं आपको दिखाऊं कपड़े, देखो ये इतने सारे थे, ये धुल चुके हैं, ठीक है। बाकी का ब्लैंकेट एक धुल रहा है और एक बेडशीट अभी मुझे बेडरूम से निकाल के इसमें डालनी है। ये जो कपड़े हैं मैं इसमें डायरेक्ट ऐसे ही ड्राई नहीं करती हूँ, पहले इनको टप में, या ये वाला टप खाली होगा तो इसमें पानी भर के फुलाऊंगी, उसके बाद इसमें डालूंगी तब ड्राई करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा साबुन ना रह जाता है इसके अंदर, इसलिए वो गंदा लगता है। बाकी का ये धुल रहा है। अब मैं बैटरी निकालने जा रही हूँ और 10 बज चुके हैं। आज खाने में मैंने दाल चढ़ा दी है क्योंकि इनका मन था दाल खाने का। जब कोई शादी वगैरह से आता है ना तो दाल रोटी यही सब अच्छा लगता है और कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो बस अब मैं बेडशीट निकाल के उसमें डालूंगी वॉशिंग मशीन में। ये देखिए चद्दर, मैं नहीं ओढ़ती हूँ, एक आद्या ओढ़ती है, एक आद्या के पापा ओढ़ते हैं, 2 चद्दर हैं ये, और अध्यक्ष नहीं ओढ़ता है चद्दर और मैं नहीं चद्दर ओढ़ती हूँ। गर्म सर्दी ठंडी ठंडी थोड़ी सी लगती है, लेकिन पंखा स्लो कर लेंगे लेकिन ओढ़ेंगे नहीं, पता नहीं क्यों, ना अध्यक्ष का मन करता ओढ़ने का ना मेरा। ये मैं तय लगा के रखूँ और ये बेडशीट धुलने का डालूँ, दूसरी बेडशीट बिछाऊंगी मैं, सोचिए पिलो कवर भी ऊपर वाले दोनों के बदल दूँ, ठीक है। चलो तो गाइज मैं करने लगी हूँ अपने रूम की क्लीनिंग और ये भी आ गया है पीछे से और मेरे साथ में, जो भी मैं करूँगी वो मेरे साथ करवाएगा थोड़ा मोड़ा, क्योंकि इसको हर चीज़ से ये लगने लगा है कि मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अक्सर ये कहता है कि मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं इसे ये कहती हूँ बाबू तुम रख दो, तुमसे नहीं होगा, तुम अभी छोटे हो। तो नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझसे हो जाएगा। अगर अब मैं इसे ये कह दूँ जो अपने लिए पानी ले लो जाके, तो मैं छोटा हूँ आप पानी दो मुझे, तो ये चीज़ हो गई है। अध्यक्ष को लेकर बहुत सारे मेरे वीडियोज़ में कमेंट्स आते हैं, आध्या से लेकर भी आते हैं। पहला मैं कमेंट बताऊंगी दक्ष को लेकर, क्योंकि दक्ष को लेकर ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि दक्ष स्कूल क्यों नहीं जाता है, दक्ष को आपने एडमिशन क्यों नहीं कराया है। तो दक्ष का एडमिशन इस बार नहीं कराया है, नेक्स्ट ईयर 100% मैं कराऊंगी। आपको मैं बता दूं, आध्या जितना अच्छे से शुरू से, मतलब फर्स्ट ईयर से ही बोलने लगी थी जब वो 1 साल की थी, दक्ष बोलने में थोड़ा सा पीछे है। अभी भी वो बोलने तो लगा है, आप लोग सुनते हो, लेकिन इतना क्लियर नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दक्ष थोड़ा सा लेट कर रहा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट इस बात ऐसे भी आते हैं कि आप परेशान मत होइए और दक्ष बोलेगा थोड़ा लेट सही, तो मुझे वो लोग मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट नहीं करते हैं, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। इसे ही कहते हैं असली फैमिली, जो हमेशा मोटिवेट करें। हाँ, कुछ कमी कुछ गलती हो तो उसके लिए सलाह दें, ताने ना दें और उल्टा सीधा ना कहें, तो उससे फैमिली कहते हैं। और मैंने ऐसी ही फैमिली यूट्यूब में अपनी बनाई है। ये कुछ कपड़े हैं जो ये शादी में पहन के गए थे और पूजा के टाइम पे घर में जब कथा कराई तब का ही कुर्ता रखा था, तो मैं धुलूंगी इनको हाथ से। और जब इन कपड़े को धुलने गई थी तभी मैंने दक्ष को भी नहला दिया था, तो बस वो भी तैयार हो गया है और उसको मैं क्रीम वगैरह लगा दूंगी। वो बहुत चिड़चिड़ाता है जब उसके फेस में मैं क्रीम लगाती हूँ। और आध्या को लेकर कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आध्या की छुट्टी क्या अभी तक नहीं हुई है, कब छुट्टियाँ होंगी। आध्या का ये स्कूल जो है वो नया स्कूल है, नए स्कूल में एडमिशन कराया है, आप लोगों को पता ही है। उस स्कूल का जो भी मैसेज, जो भी रूल्स हैं, वो सारे मेरे मैसेज आ जाते हैं, लेकिन अभी तक छुट्टी का कोई मैसेज नहीं आया है। उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम की वजह से मैं सोच रही थी कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे 13 तारीख तक, तो वो फिर छुट्टी हो जाएंगी, लेकिन नहीं, छुट्टी उसकी नहीं हुई है। कब होंगी पता नहीं, वो बोल रही थी 20 तक हो जाएगी, और पता नहीं होगी कि नहीं, वो तभी पता चलेगा जब वहाँ से कोई मैसेज आएगा मुझे ग्रुप में,
तब मैं आपको शेयर करूंगी इनकी छुट्टी जो मेरे हस्बैंड है वो गवर्नमेंट टीचर है, उनकी छुट्टी तो 20 के बाद ही होती है, 20 से होती है, तो 20 तारीख के बाद वो थोड़ा फ्री हो पाएंगे स्कूल से। और फिर प्लॉट का अपना काम रहता है, वो देखना पड़ता है, बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं, बहुत परेशान भी है। फिर उनको अपना हाथ भी दिखाना है लखनऊ में जाकर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, क्या क्या बताऊँ, क्या क्या हर चीज़ ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँ। रोज़ रोज़ वही चीज़ें दिखाकर मैं आप लोगों को बोर भी नहीं कराना चाहती हूँ, और हमेशा स्माइल करते हुए वीडियोज़ बनाती हूँ। अंदर का दुख क्या है वो मैं आप लोगों के साथ बहुत कम जाहिर कर पाती हूँ, जब कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी उभर कर आ जाता है। और यहाँ पे मैं ये चावल जो थे ना मेरे मायके में, जब भी विदाई होती है तब चावल दिए जाते हैं, तो मैं मम्मी से हमेशा कहती हूँ मुझे थोड़े से ही दे दिया करो, मैं अपने पल्लू में थोड़ा सा बांध लिया करूँगी। लेकिन माँ माँ होती है और वो मुझे थैला भर के चावल दे देती है, बैग में छुपा देती है। खैर आपको मैं बता दूँ, ये वीडियो तो पहले का है लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं, तो मदर्स डे जो कल था वो निकल गया है। आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैंने वैसे कम्युनिटी में डाला था सभी माओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और यहाँ पे मैं राइस रख रही हूँ उबालने के लिए, उसमें थोड़ा सा घी डालकर। आप देख रहे हैं दक्ष मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। और दाल मैंने बना ली है, सादा सिंपल सा खाना बनाया। बहुत सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में भी लगाए थे धुलने के लिए, तो उनको फैलाने का वक्त आ गया है, तो फिर मैंने उनको हाथ से मैंने इनको निचोड़ा है, क्योंकि मशीन से ड्राई करते करते मुझे ऐसा लगा तो उसमें साबुन कहीं ना कहीं रह जाता है, तो हाथ से निचोड़ने के बाद फिर मैं इसको ड्राई कर देती हूँ और उसके बाद फैला रही हूँ। मेरे साथ ये ऐसे ही काम में लगा रहेगा, क्योंकि ये कहीं बैठता ही नहीं है, टीवी तक नहीं सुकून से देखता है, ये आ जाता है, कभी कभी होता है कि ये टीवी देखता है और परमानेंट बोलते ही रहेगा, बोलते ही रहता है। इसीलिए मैं ज़्यादा फिर वीडियोस में आप लोगों से बात सामने से नहीं कर पाती हूँ, तो बस ये है। और हाँ, कुछ एक चीज़ और कहनी है मुझे, जब मुझे कोई ऐसे कमेंट्स आते हैं बहुत चीज़ों को लेकर मेरी लाइफ से रिलेटेड, तो मैं बस इतना कहूँगी कि हर चीज़ में वीडियोस में नहीं दिखा पाती हूँ, और कंफर्टेबल नहीं होता है हर चीज़ दिखाना। और इतना छोटा सा वीडियोस को देखकर आप मेरी ज़िंदगी जब से मेरी शादी हुई है या उससे पहले की, आप जज नहीं कर सकते उस चीज़ को, है ना। तो बस इतना कहूँगी कि मेरे छोटे वीडियोस को इन्जॉय कीजिएगा, मैं अपना सुख और दुख दोनों आपसे बांटती हूँ, बट कुछ दुख ऐसे होते हैं जो लड़की अपने पेरेंट्स तक नहीं कह पाती है, तो बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिएगा, जो मैंने दुख अपने पेरेंट्स तक नहीं कहे हैं, अपने माँ बाप तक नहीं पहुँचाए हैं, अपने माँ बाप को अपनी माँ के पास जाकर उनके गोद में सर रखकर तक नहीं रो पाई हूँ, वो सोशल मीडिया पे कैसे मैं इतनी जल्दी रिवील कर दूँ। लेकिन जिस दिन भी रिवील करूँगी ना, उससे पहले मैं अपने माँ के साथ ज़रूर रिवील करूँगी। खैर वो सब चीज़ें बात की बात है, अब मेरी YouTube फैमिली हो, अपना सुख दुख जो भी है सब चीज़ें मैं बांट रही हूँ, बस कुछ दुखों को मैं नहीं बांट सकती हूँ, पता नहीं क्यों मैं उनको खुद याद नहीं करती हूँ। जब मैं याद कर लेती हूँ ना, तो मेरा ना अंदर से पूछो ही ना कैसा तूफ़ान चलता है, वो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। मुझे एक वीडियो शूट करना था, उसके लिए मैंने कुछ सामान निकाला था और एक ड्रेस भी डाल दी है, आप देख सकते हो, तो मैं वही सब सामान अब रख रही हूँ। ये सब देख कर ना मुझे ड्रेसिंग की अपनी हालत देख कर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, कि मुझे मन कर रहा था ठीक कर दूँ, लेकिन जब दक्ष सो जाता है तो मेरा भी मन करता है कि वीडियो जो बनानी है बनाकर मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँ, तो बस ये सब रख कर ड्रेस चेंज करके मैं थोड़ी देर लेटने चली गई थी। और मैं ये कभी और शेयर करूँगी, मतलब कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ वो। उसके बाद ये है पास्ता जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, उन्हीं का ही है मतलब ब्रांड, तो ये पास्ता मैंने इस बार आध्या के लिए से मंगाया, कि जब भी आध्या देखती है मम्मी मुझे इस टाइप वाला पास्ता खाना है, ये वाइट पास्ता है, तो इसको मैं बनाती हूँ। चलिए इसको उबालने के लिए रख दिया है मैंने थोड़ा सा पानी डालकर, जैसे ही ये पक जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा पकने में क्योंकि काफ़ी हार्ड था, और पक जाने के बाद मैं इसे ड्रेन आउट कर दूँगी और ठंडे पानी से वॉश कर दूँगी। तो इसको बनाने के लिए मैं थोड़ा सा प्याज भी डाल रही हूँ और टमाटर भी डाल रही हूँ। अगर आपके बच्चे बहुत सब्जियाँ खाना पसंद कर लेते हैं तो फिर आप खूब सारी सब्जियाँ डालिए इसमें, गाजर, शिमला मिर्च, मटर, बीन्स, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मना कर देंगे, बीन बीन के खाएंगे, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें ये एक प्याज और आधा टमाटर और एक हरी मिर्ची का टुकड़ा डाला है मैंने। हरी मिर्ची क्या है, बीन के निकाल दो, बड़ा बड़ा काटा है मैंने, और लाल मिर्ची का तो मैं यूज करती ही नहीं हूँ,
तो बस यहाँ पे ये टमाटर काट रही हूँ। एक कमेंट्स आया था मेरे पिछले वीडियोस में कि जो सिवैया आपने बनाई है मेरी बेटी को देखकर बहुत अच्छा लगता है, खाने का मन करता है। तो मेरा भी बहुत मन करता है कि जिसको जिसको पसंद है वो मेरे पास आकर खा ले। मैं आप लोगों के साथ में आगे और भी वीडियोस हैं वो शेयर करती रहूँगी। मदर्स डे की मैं बात करूँ तो मदर्स डे वाले दिन मैंने बहुत छोटा सा एक वीडियो बनाया है, वो कोई स्पेशल ऐसा नहीं था कि मदर्स डे का स्पेशल ही था, क्योंकि ना ही मैं मायके में हूँ और ना ही मैं कहीं और हूँ, और मैं यहाँ पर हूँ, मेरी बेटी इतनी छोटी है जो मेरे लिए इतना क्या स्पेशल करेगी। मेरे लिए बस एक कार्ड ही तो बना सकती है वो, और क्या चॉकलेट ला के दे देगी पापा की सिफारिश से। तो बस वही है, और स्पेशल मैंने कुछ किया नहीं, फुल रेस्ट किया। मदर्स डे पे मैंने अपने आप को पूरा टाइम दिया, मतलब व्लॉगिंग छोड़कर थोड़ा मोड़ा ही शूट किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और मैंने व्लॉग डाला भी नहीं था, कल मेरा मन नहीं कर रहा था व्लॉग डालने का, क्योंकि कल मदर्स डे था और कल मैं फुल रेस्ट पे ही थी और मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। हालांकि घर के काम थोड़ी ना पीछा छोड़ते हैं, तो वो तो मैं कर ही रही थी, बच्चों को देखना, उनका खाना बनाना, हस्बैंड का देखना, घर की क्लीनिंग, घर के कपड़े काम बहुत निकल जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ भी व्लॉगिंग का लेकर नहीं बैठी थी मैं। तो बस ये बन गए हैं पास्ता, आप लोग भी आ जाइए, बच्चों लोग आ जाइए, आ जाइएगा, जितनी भी मॉम्स के बच्चे देख रहे हैं, ये पास्ता मैंने बना दिया है। दोनों ने बहुत इंजॉय से खाया, बड़ा ही अच्छा लगा उनको, और मैं नेक्स्ट टाइम फिर बनाऊंगी इनके लिए। तो मैंने ट्राई किया था, सॉस वगैरह भी डाल दी थी ऊपर से, और हमारा जो कूलर है वो फिर से ख़राब हो गया, उसका टिल्लू ख़राब हो चुका है। तो आज की रात बहुत मुश्किल से कटी थी मेरी, क्योंकि बहुत गर्मी होने लगी है दोस्तों। ऊपर वाला पोर्शन तो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि उबलने लगो, पंखा तो इतनी तेज़ गर्म हवा देती थी, लू चल रही हो, तो ही वो रात तो निकालनी थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। कूलर ने लास्ट में मतलब काफ़ी देर बाद धोखा दे दिया, और फिर ये कूलर गर्म हवा देगा, अब हम लोग इसी गर्म हवा में सोएंगे, और दूसरे दिन ये जब टिल्लू लेकर आएंगे नया डालेंगे तब जाके काम चलेगा। मेरे कूलर को उस एक बार दक्ष ने पटक दिया था, मतलब धक्का दे दिया तो गिर गया था, आप लोग को बताया था मेरे वीडियोज़ में। तो तब से ये थोड़ा उसका पंखा भी गड़बड़ कर रहा है, अब समस्या इसको ज़्यादा होने लगी है, इसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है। घर का जो डॉक्टर है यानी मेरे हस्बैंड जी हैं, जो कूलर सही कर लेते थोड़ा मोड़ा देख कर, तो वो तो कर ही रहे हैं, बाकी का इलाज फुल डॉक्टर करेगा। अभी यहाँ पे दक्ष भी देख रहा है, और यहाँ पे कूलर चला दिया इन्होंने और पैक कर दिया, टिल्लू तो ख़राब ही है, वो चलेगा ही नहीं। आज ये सब्जियाँ भी लेकर आए थे बहुत सारी, क्योंकि स्कूल में ले जाने के लिए इनके टिफ़िन के लिए सब्जियां थी ही नहीं, तो ये हरा धनिया थोक के भाव में लेकर आए हैं, बहुत सारा आ गया है दोस्तों। और ये बैंगन छोटे छोटे वाले, मुझे बैंगन से कोई प्यार नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पसंद आते हैं, लेकिन इनके लिए मैं बनाऊंगी कलौंजी। और ये नींबू, नींबू में भी दोनों दो नींबू लाए, उसमें दोनों में दाग हैं। ये तरोई है पतली पतली, स्वादिष्ट लगती है पतली वाली, लेकिन इसका जो गूदा है कम निकल पाता है। और ये कच्चे आम देखकर मैंने बोला इतने सारे चटनी बनाने के लिए कच्चे आम क्यों लाए हो, तो बोल रहे थे इसमें से ना ये जो आम है एक बचाकर बाकी का अचार डाल देना मेरे लिए, क्योंकि मुझे अचार पसंद नहीं है दोस्तों, पर्सनली बता रही हूँ। मैं इनके लिए बनाऊँगी, कुछ आम लाए हैं मैंगो शेक बनाने के लिए, ये हरी मिर्च जो कि हफ्ते भर चल जाएगी, खरबूजा लाए हैं और शिमला मिर्च भी लेकर आए हैं, तो आलू शिमला मिर्च बन जाएगी एक बार। ये खरबूजा हम लोग दोपहर में खाना खाने के बाद खा लेते हैं, और इनका बनेगा मैंगो शेक, जो ये मैंगो आए हैं ये करीबन 3 दिन तो मैंगो चल ही जाएंगे, शेक बन बन के हम लोग पी लेंगे। और बस उसके बाद घर का सारा काम जो रात का रहता है वो सारा निपटाया, गैस पे दूध बनने के लिए रख दिया है, ये मैंगो शेक बन ही गया है, क्योंकि वो आम देखकर दक्ष और आद्या को रहा नहीं गया, खासकर दक्ष बहुत हित करता है, तो उसके लिए ये आम बन गए, आम का शेक बन गया है मैंगो शेक। तो हम चारों लोग एक एक गिलास मैंगो शेक पियेंगे और आराम से सोएंगे जाके। बाकी का ये जो बर्तन है मैंगो शेक पीने के बाद मैं धुल देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सिंक में रात में पड़े हुए बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं, पर्सनली बता रही हूँ। खैर फिर जब शरीर साथ ना दे, काम ना करना कर पाए तो अलग बात है। तो गाइज ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना, एंड प्लीज़ जज मत करना किसी चीज़ को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।